सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है मुस्कराने से। और कार्यक्रम की शोभा बढ़ती, विधायक साहब आपके आने से एक बार जोर। मैं सभी सारे बच्चों, ये जो दौड़ अभी तो यहाँ से प्रारंभ होगी विधायक साहब के माध्यम से, मुझे खुशी है कि आज हमारे छोटा सा कार्यक्रम, कल बड़ा कार्यक्रम आपके माध्यम से यहाँ पर होगा। विधायक साहब ने सबसे पहले जो मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की, क्योंकि आज तक साथ में पहले स्टेडियम को देखा और ये बताया कि इसमें क्या होना है, तो विधायक साहब इस स्टेडियम का अपने आप खुद भी यहाँ पर बताएंगे अभी इन्हीं के माध्यम से। और मुझे खुशी इस बात की है कि विधायक साहब का स्टेडियम, विधायक साहब के जब बच्चे हैं, ये स्टेडियम अच्छा बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र का नहीं पूरे जनपद का नाम दूर दूर तक जाएगा। तो मैं ज़्यादा ना कह करके अपनी मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपना हौसला बुलंद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज के आदरणीय मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक श्री मास्टर तेजपाल नागर जी जो हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि वो सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करें इस खेल के उसके लिए। जोरदार तालियां हो जाए। स्टेडियम दुजाना में बेटे आज़ादी के 75 साल में से हम गुजर रहे हैं, जो 75 साल आज़ादी के हो गए हैं उसको हमारे दुनिया के सर्वमान्य नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। तो बच्चों, पहले तो आप सबको मालूम है 75 साल हो गए आज़ाद हुए। 75 साल को देश के प्रधानमंत्री ने किस रूप में मनाया? अमृत महोत्सव। किसके रूप में मनाया? इस आज़ादी को। और उसी के उपलक्ष में आज इस चौधरी वेदराम स्टेडियम दुजाना में मैराथन दौड़ का शुभारंभ होगा। इस दौड़ में उपस्थित यहाँ की अधिकारी अमृता सिंह जी, जिनको सब जानते हैं, जो सब जगह उपलब्ध रहते हैं, जहाँ कहीं खेल होते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, ऐसे आदरणीय बालचंद्र नागर जी, एसएस निमेश जी, एचएस निमेश जी, सुमित नागर जी, पूजा प्रजापति जी, जीत सिंह जी, सालू नागर जी, मेरे सामने खड़े हुए, मेरे सम्मुख खड़े हुए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी सम्मानित साथियों और भाई बहनों, सबसे पहले मैं उन शहीदों को, उन आज़ादी के दीवानों को जिन्होंने आज़ादी दिवाने का काम किया, जिन्होंने हमको आज़ादी दी और शहीद हो गए, उन ऐसे जवानों को मैं नमन करता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी के 75वें साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है और एक अभियान चलाया है हर घर तिरंगा का। साथ ही इस हर घर तिरंगा का अर्थ क्या है? हर घर तिरंगा का अर्थ है पहले 15 अगस्त कुछ ही जगहों पर मनाया जाता था, सार्वजनिक जगहों पर, जैसे स्कूल में, कोई सरकारी संस्था है उसमें। अब ये हर घर तिरंगा फैलाया जाएगा। हर घर तिरंगा का मतलब है हर घर उन शहीदों को जिन्होंने आज़ादी दिलाई उनको नमन करता है, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और राष्ट्रभक्ति की भावना प्रत्येक घर में हो आती है। इससे मैं देख रहा हूँ हमारी पार्टी के अभियान और भाजपा के अभियान पर रोज तिरंगा यात्रा निकल रही है, दिन में कई कई बार निकल रही है, बहुत जगह निकल रही है। मैं बच्चों में जोश देखता हूँ, जवानों में जोश देखता हूँ, बुढ़ों में जोश देखता हूँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव का कितना जोश। साथियों, आप नौजवान, आप हमारा भविष्य, आप देश का भविष्य, आप इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप प्रण लें कि हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बनने दें। जनता को विश्वास दिलाओ
उन शहीदों को विश्वास दिलाओ कि जो आजादी आपने हमको दी है हम उस आजादी को कायम रखेंगे, उसके लिए हम कुछ भी कर सकने के लिए सब तैयार हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी से बड़े हर्षोल्लास के साथ हर एक गांव में हर एक घर में मना रहे हैं। अभी जब मैं यहाँ आया, क्योंकि मैं भी आपने मुझे तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा भाई स्टेडियम में क्या कमी है, मेरी जिम्मेदारी उस कमी को पूरा करना। आपने मुझे चुना है, मैंने कहा अगर कुछ इसमें कमी है। मैंने कल मैडम मुझसे मिलने गई, मैंने मैडम से पूछा, मैडम कोई ऐसे स्टेडियम हो, आज हमारे बच्चों का भविष्य बनता है इन स्टेडियमों से, तो आप मुझे बताएं एक योजना है उसके तहत मैं अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक स्टेडियम लाना, अधिक से अधिक उनके पैसा लाना और इन बच्चों को इन बेटियों को अधिक सुविधा मुहैया कराना, ये मेरी जिम्मेदारी। आपने देखा अगर आप 2 साल पहले कचेड़े दुजाने वाली सड़क को देखते होंगे, 2.5 साल 3 साल पहले पिछले कार्यकाल में हुई, पहले आपने देखी होगी, पहली स्थिति देखी। और मेरे कार्यकाल में जीटी रोड से लेकर के हरिश्चंद्र के बाग से लेकर के दुलराई होते हुए जो सड़क आ रही है कचेड़े को और दुजाने को, इसकी स्थिति देखी आपने, देखा इसमें परिवर्तन है। आपने देखा दुजाने से लेकर के जो छेजा के लिए जीटी रोड के लिए सड़क जा रही है उसमें परिवर्तन है। आपने देखा पशु हॉस्पिटल यहाँ जर्जर हालत में थी, उसकी बिल्डिंग बना दी। दादी सत्ती जिसको सारा 27 मानता है उसमें भी 84 लाख रुपए दिवा करके उसका भी कायाकल्प करने का प्रयास किया। स्टेडियम रह रहा है, स्टेडियम बिका। मैं बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने 5 साल का कार्यकाल दिया है, इस 5 साल के कार्यकाल में अगर कोई काम ना ले सके तो अलग बात है, वरना पूरी तरह से काम करेंगे। स्टेडियम में कुछ मैंने मैडम से पूछ करके और जो यहाँ के खेल के अधिकारी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनसे पूछ करके इसी स्टेडियम में जो चीज़ की और आवश्यकता होगी उस चीज़ को हम इसमें कराएंगे। बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने घर और अपने घर के आसपास और जहाँ तक आपके पास हो तिरंगा लगाना। और आज बेटियाँ, मुझे खुशी है हमारी महिला भी हमारी बेटियाँ भी किसी से पीछे नहीं, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, जब रिजल्ट आता है 10वीं और 12वीं का, माध्यमिक स्कूल में प्रिंसिपल रहा, तो मैं देखता हूँ बेटियाँ, अब तो अपकार आता नहीं, पहले अब भी अखबार आता है लड़कियों ने बाजी मारी, लड़के पीछे रहे, तो आज लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं। अगर हम इनको सुख सुविधा दें और लड़कों जैसे सुख सुविधा दें तो ये लड़कियाँ भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। और आज बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटे बेटी बराबर हैं। इनको बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इनको अवसर देने के लिए मेरे मुझसे जो भी काम होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। और मुझे उम्मीद है बेटियाँ भी हमारा एक दिन नाम करेंगी, क्षेत्र का नाम करेंगी और आप भी नाम करोगे और मैराथन में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड आओगे और जो बच्चे रह जाएंगे वो भी अगली बार आएंगे। आप ऐसा प्रयास। हर प्रकार की एलर्जी का इलाज यहाँ 100% होता है। मिले बाबा रामदास आयुर्वेद्य औषधालय में। संपर्क करने के लिए कॉल करें 9999165 9122 या फिर 9050071368।